नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है ये दो फ़ोन। एक है आईफोन 5s 2013 में लॉन्च हुआ था और एक है ये रियलमी 6 जो अभी लॉन्च हुए हुए 6 या 7 महीने हुए होंगे। आईफोन 5s में 1 GB रैम है और इसमें मेरे पास 4 GB रैम है। ये 2013 का लॉन्च हुआ हुआ है। इसके अंदर एप्पल का A7 प्रोसेसर है। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है एप्पल के फ़ोन का, आईफोन 5s का, और रियलमी का डिज़ाइन भी मेरे को ओके लगता है। इसमें वेट ज़्यादा है, मेरे को कम वेट वाले फ़ोन पसंद हैं। तो आज हम इनका क्विक कंपैरिजन करेंगे, इनका स्पीड टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं इनके क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टॉपवॉच शुरू कर लेते हैं और ये हम दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे। हम इनमें सबसे पहले ऐप्स खोल के देखेंगे और बाद में देखेंगे कि इन दोनों का बैकग्राउंड ऐप्स ये कितनी देर तक रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आईफोन 5s का टेस्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करके। We'll be right back.
तो दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड लगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करने में। अभी हम रियलमी 6 पे आ गए हैं, इसका देखते हैं टेस्ट करके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 मिनट 45 सेकंड आईफोन में और 2 मिनट 21 सेकंड रियल मी में। तो एक 2013 के फ़ोन के लिए 5 मिनट 45 सेकंड ठीक ठाक ही है। और रियल मी 6 से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसने इसका प्रोसेसर इतना बढ़िया है, भले ही थोड़ा पुराना हो गया लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है ये। और मेरे को तो बढ़िया लगा ये कंपैरिजन करके, आप बताइए मेरे को कि कैसा लगा। तो एक बात और, अगर कोई अभी भी सोच रहा हूँ कि iPhone 5s अच्छा रहता है देखने में, लुक तो बढ़िया है ही, हल्का भी है, लेकिन क्या इसे हम डेली यूजेस के लिए ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर सकता कि आप इसे लीजिए, क्योंकि आपने अभी देखा कि इसका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा स्लो हो गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसे ही और कंपेरिजन देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।